और पहला सवाल है कि 11 नवंबर 2019 को केंद्र सरकार ने नई जल नीति का मसौदा तैयार करने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? तो इसके अध्यक्ष होंगे मिहिर शाह, और जो कि पूर्व योजना आयोग के पूर्व सदस्य भी रह चुके हैं। 16 अगस्त 2019 को उच्चतम न्यायालय ने चार धाम परियोजना के पारिस्थितिक पहलुओं की समीक्षा हेतु किसकी अध्यक्षता में एक स्वतंत्र समिति गठित करने का आदेश दिया है? तो इसका उत्तर होगा रवि चोपड़ा। और 26 जुलाई 2019 को वर्ष 2020 एवं 2024 के ओलंपिक की तैयारियों के समन्वय और रणनीति बनाने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक 10 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है? तो इसका उत्तर होगा किरण रिजिजू, जो कि युवा मामलों और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री भी हैं। और नेक्स्ट है कि 25 जुलाई 2019 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने किसकी अध्यक्षता में लोक लेखा समिति का गठन किया? तो इसके अध्यक्ष हैं अधीर रंजन चौधरी, जो कि कांग्रेस के नेता हैं। 27 जून 2019 को केंद्र सरकार द्वारा थोक मूल्य सूचकांक, जिसका आधार वर्ष 2011-2012 है। देखिए, ये सवाल भी पूछा जाता है कि थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है, तो आधार वर्ष 2011-12 है। कि वर्तमान श्रृंखला में संशोधन हेतु किसकी अध्यक्षता में एक कार्यदल गठित किया है? तो इसके अध्यक्ष होंगे प्रोफेसर रमेश चंद्र, जो कि नीति आयोग के सदस्य हैं और कृषि जो है एग्रीकल्चर के क्षेत्र के जो है कृषि क्षेत्र से इनका संबंध है, प्रोफेसर हैं ये। और 3 जुलाई 2019 को रिजर्व बैंक ने कोर निवेश कंपनियों हेतु विनियामक और परिवेक्षी फ्रेमवर्क की समीक्षा हेतु किसकी अध्यक्षता में एक कार्य समूह का गठन किया है? तो इसके अध्यक्ष होंगे तपन राय, जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के गैर कार्यपालक अध्यक्ष हैं। 29 अक्टूबर 2019 को केंद्र सरकार ने दूर संचार क्षेत्र में वित्तीय दबाव को कम करने हेतु किसकी अध्यक्षता में सचिवों की एक समिति गठित की है? तो राजीव गौबा, जो कि कैबिनेट सचिव भी हैं, राजीव गौबा। 10 अक्टूबर 2019 को रेलवे बोर्ड ने 50 रेलवे स्टेशन और 150 ट्रेनों को निजी क्षेत्र में देने का निर्णय करने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? तो नीति आयोग के जो सीईओ हैं अमिताभ कांत, उन्हीं की जो है अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। 11 नवंबर 2019 को केंद्र सरकार ने नई जल नीति का मसौदा तय करने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? तो इसका हम डिस्कशन पहले कर चुके हैं, मिहिर शाह होंगे इसके अध्यक्ष। 17 फरवरी 2020 को 15वें वित्त आयोग ने किसकी अध्यक्षता में कृषि निर्यात पर एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह का गठन किया है? यानी कि एग्रीकल्चर जो है एक्सपोर्ट के लिए कृषि क्षेत्र में किस तरीके से निर्यात को बढ़ावा दिया जाए, उसके लिए एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया है। तो इसके अध्यक्ष होंगे संजीव पुरी, जो कि ITC के चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, प्रबंधन निदेशक हैं। 13 फरवरी 2020 को 15वें वित्त आयोग ने किसकी अध्यक्षता में रक्षा और आंतरिक सुरक्षा पर एक समूह का गठन किया है? तो इसका उत्तर होगा NK सिंह, जो कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भी हैं। 31 दिसंबर 2019 को केंद्र सरकार ने अयोध्या मामले पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय से संबंधित सभी मामलों पर गौर करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक विशेष डेस्क गठित किया है? तो इसका उत्तर होगा ज्ञानेश कुमार। और अगला है कि 1 दिसंबर 2019 में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सुधार हेतु किसकी अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय मंत्री समूह का गठन किया है? तो उसका उत्तर होगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। मई 2020 में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम में सुधार हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? तो इसका उत्तर होगा राजेश भूषण। 19 फरवरी 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने वर्ष की अवधि के लिए 22वें भारतीय विधि आयोग के गठन को मंजूरी दी है? तो इसका उत्तर होगा 3 वर्ष। 15 नवंबर 2019 को किसके द्वारा इंटरनेट पर चाइल्ड पोर्न शोषण को नियंत्रित करने हेतु नई दिल्ली में ऑनलाइन बाल यौन शोषण उत्पीड़न केंद्र की स्थापना की गई है, जिसका नाम है OCSAE, यानी कि ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन। तो ये स्थापना की गई है CBI के द्वारा, केंद्रीय जाँच ब्यूरो के द्वारा। और 23 अक्टूबर 2019 को केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की किन 2 इकाइयों को महारत्न का दर्जा प्रदान किया है? तो इसका नाम है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL, और दूसरी कंपनी है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। यानी कि यही 2 कंपनियां हैं जिनको 23 अक्टूबर को संयुक्त क्षेत्र की जो है सार्वजनिक क्षेत्र की ये कंपनियाँ हैं, जिनको महारत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। 18 अप्रैल 2019 को कौन सी कंपनी 9,666 करोड़ रुपए से अधिक की मार्केट कैप पूंजी बाजारीकरण वाली पहली कंपनी बन गई है? यानी कि जो है इसका जो बाजार पूंजीकरण जो है वो कितना है, वो है 9,666 करोड़ रुपए। 18 दिसंबर 2019 को पतंजलि आयुर्वेद ने कर्ज में डूबी सोया फूड ब्रांड न्यूट्रेला बनाने वाले रुचि सोया कंपनी का अधिग्रहण पूरा किया,
रुचि सोया को कितने राशि में अधिग्रहित किया गया है? तो ये पतंजलि आयुर्वेद के द्वारा 4,350 करोड़ रुपए की राशि के साथ में अधिग्रहित किया गया है। दिसंबर 2019 में ग्रेटर चेन्नई कारपोरेशन, जो कि तमिलनाडु में है, ने देश का पहला अपशिष्ट विनिमय प्लेटफार्म लॉन्च किया। लॉन्च किए गए इस प्लेटफार्म का क्या नाम है? तो इसका नाम है मद्रास वेस्ट एक्सचेंजेस। और दिसंबर 2019 में आर्सेलर मित्तल द्वारा निप्पन स्टील कारपोरेशन के साथ गठित संयुक्त उद्यम आर्सेलर मित्तल निप्पन स्टील इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो आदित्य मित्तल को चेयरमैन इसका नियुक्त किया गया है। दिसंबर 2019 में भारत बॉन्ड ETF नामक भारत का पहला कारपोरेशन बॉन्ड ETF यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड किसने लॉन्च किया? तो इसका उत्तर होगा एडलवाइस असेट मैनेजमेंट कंपनी यानी कि AMC ने। और नवंबर 2019 में स्टॉक एक्सचेंज पर अपने वाणिज्यिक पत्र को सूचीबद्ध करने वाली कंपनी कौन बनी है? तो इसका उत्तर होगा आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड। अप्रैल 2020 में अमेरिकी तकनीकी दिग्गज फेसबुक ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की दूर संचार इकाई रिलायंस जियो में कितनी हिस्सेदारी खरीदी है? तो इसका उत्तर होगा 9.99%। 1 अप्रैल 2020 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने भारत में सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली उत्पादन के कारोबार में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और किसके बीच संयुक्त उद्यम के गठन को मंजूरी प्रदान की है? इसका उत्तर होगा टोटल SAK। और 11 मार्च 2020 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने ग्रीनको मॉरिशस को किस ऊर्जा कंपनी का अधिग्रहण करने हेतु मंजूरी प्रदान की है? तो इसका नाम है तीस्ता ऊर्जा लिमिटेड। अमेरिकी प्राइवेट इक्विटी फर्म विस्टा इक्विटी पार्टनर्स जियो प्लेटफार्म लिमिटेड की कितनी हिस्सेदारी 11,367 करोड़ रुपये में खरीदेगी? तो इसका उत्तर होगा 2.3% हिस्सेदारी। मई 2020 में अमेरिकी निजी इक्विटी कंपनी सिल्वर लेक के भागीदारों ने किस कंपनी की 1.15% हिस्सेदारी 750 मिलियन डॉलर में खरीदी है? तो इसका उत्तर होगा जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड की। अप्रैल 2020 में कोयला मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले किशन नवरत्न सार्वजनिक उद्यम ने पहली बार कोयले का उत्पादन शुरू किया? तो इसका उत्तर होगा NLC इंडिया लिमिटेड। 30 अप्रैल 2020 को जर्मनी ने ईरान समर्थित किस आतंकवादी संगठन को पूर्णतः प्रतिबंधित कर उसे एक आतंकवादी संगठन घोषित किया? इसका उत्तर होगा हिजबुल्लाह। अप्रैल 2020 में आवास विकास वित्त निगम लिमिटेड ने गिरवी रखे गए शेयरों में निवेश करके किस कंपनी में 6.43% हिस्सेदारी हासिल की? तो इसका उत्तर होगा रिलायंस कैपिटल। जनवरी 2020 में सचिन बंसल, जो कि फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक और पूर्व CEO हैं, उन्होंने महाराष्ट्र के वधावन ग्रुप कैपिटल से लगभग 100 करोड़ रुपये में किस कंपनी का अधिग्रहण किया है? तो इसका कंपनी का नाम है दीवान हाउसिंग फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड यानी कि DHFL कंपनी का नाम है। 24 दिसंबर 2019 को आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा रसायन और पेट्रो रसायन विभाग की असम गैस क्रेकर परियोजना को लागू करते हुए किस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के प्रशासनिक नियंत्रण को हस्तांतरित करने हेतु मंजूरी प्रदान की गई? तो इसका उत्तर होगा ब्रह्मपुत्र केकर्स एंड पॉलीमर लिमिटेड। 1 फरवरी 2020 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान युवाओं को शुरू से अंत तक सुविधा और सहायता उपलब्ध कराने हेतु किस प्रकोष्ठ की स्थापना करने की घोषणा की है? तो वर्तमान बजट में जो है एक प्रकोष्ठ की स्थापना की जाएगी जिसका नाम होगा निवेश मंजूरी प्रकोष्ठ, जिससे युवाओं को शुरू से अंत तक सुविधा और सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। जनवरी 2020 में क्लाउड समाधान के लिए किस कंपनी ने BFSI डिजिटल इनोवेशन अवार्ड जीता है? तो उसका नाम है बजाज हाउस।